हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर का देख सकते हो कि एक बहुत बढ़िया आपका ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ये ब्रेकआउट जोन बहुत दिनों से आपका, जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है तब से ये टूट नहीं पा रहा था, और ये भी सेफ रिकवरी है। और जब भी कोई स्टॉक भी सेफ रिकवरी होता है तो उसमें एक बहुत बढ़िया आपका मोमेंटम बनता है, एक बहुत बढ़िया रिटर्न बनने का पॉसिबिलिटी रहता है। अबू धाबी बेस्ड जो भी न्यूज़ है, 2.5 आपका मिलियन का नेशनल, उनके नेशनल एनर्जी एक्सचेंज थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, फेक न्यूज़ हो या ना हो, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने आपका बहुत बढ़िया आपका मोमेंटम बनाते हुए ब्रेकआउट दिया है, और स्टॉक ने आपका 282 का जो रेजिस्टेंस था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन आज दिया हुआ है। तो आने वाले टाइम पर 320 का टारगेट रहने वाला है, और 320 का एक पॉजिटिव टारगेट रहने वाला है, जो उसको भी आज इसने ब्रेकआउट करके 323 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या है कि देखो, 320 का जो टारगेट हिट हुआ है ये आपका RSI अभी 70 में है, और ज़्यादा आपका ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 88 में है। तो यहाँ से भी कल भी एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। 350 इनिशियल टारगेट रहेगा, और ये टारगेट आपको टेक्निकल लेवल देखते हुए खरीदना है, और आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बाई बात करके या बाई करना, और जो लोग पहले से बाई करके रखे हो, कोई भी इसमें से लेवल में बाई की हो, तो उनका होल्डिंग का सलाह रहेगा। ये स्टॉक को आप होल्ड करो, खास करके सितंबर लास्ट तक तो होल्ड करो, क्योंकि आपका 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा है यहां से एक बहुत ही अप ट्रेंड मोमेंट आपको बनता हुआ दिखेगा, और स्टॉक में बहुत बढ़िया आपका रैली और भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का रैली ख़त्म हो जाएगा, स्टॉक में एक अच्छा खासा आपका रैली और भी पॉसिबिलिटी है, और स्टॉक में जब भी आपको एक नया हाई को टच करते हुआ दिखाए, जैसे कि 400 रुपये का ये स्टॉक आपका जाने को जा सकता है, लेकिन अभी आपका देखो ओवरबॉट जोन में है नहीं, तो 350 का इनिशियल टारगेट लेकर आप चलो, और मेरे ख्याल से 400 रुपये भी क्रॉस होगा। और अगर अबू धाबी बेस्ड वो न्यूज़ सच में हुआ तो 400 या 600 रुपये भी जा सकते हैं स्टॉक, क्योंकि आपका ये डिपेंड करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा 29 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के ऊपर। और अबू धाबी तो अबू धाबी नहीं है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन FPI और FII प्लस आपका बहुत ज़्यादा अबू धाबी बेस्ड कंपनी है, जो बहुत बढ़िया आपका आपका इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा 29 अगस्त के डिसीजन के बाद। तो अभी से थोड़ा थोड़ा माल उठा के रख सकते हो, अभी कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि स्टॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा तो 282 बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा स्टॉक के लिए, और टारगेट 350 का इनिशियल टारगेट, और 350 क्रॉस होते ही 400 का भी टारगेट हिट हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग बाई नहीं किए तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाई कर सकते हो, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप ही का चैनल है मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।